बचपन की आदतें उल्लू बनाने वाली है और माफ करना दोस्तों मुझे। और आज मुझे मिली है अमित नहीं, अरे बेचारी हाइट की मारी। ये देखिए गाइस, जिनकी हाइट छोटी होती है ना लुकिंग कूल प्रिया मालिक बोलते हैं इसको। सो गाइस फाइनली यार, काफी लोग मुझे पूछ रहे थे भाई किसने दिया आईफोन, तो वो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं जा रही हूँ वापस अपनी बुआ के घर पे, जो कि बहुत लंबे टाइम के बाद वापस से मैं यहाँ आ रही हूँ। और इस गधेरे का लेवल मैं आपको वापस से बताती हूँ, ठीक है? देखो कितना बड़ा गधेरा आता है यहाँ पे। देख सकते हो, अरे बेचारी हाइट की मारी। ये देखिए गाइस, जिनकी हाइट छोटी होती है ना लुकिंग कूल प्रिया यार ये गलत बोलने की इतनी आदत पड़ी है ना आजकल गाइस। तो प्रिया की हाइट काफी छोटी है और हर दुकान में उनके लिए से स्टूल्स लगाए जाते हैं ताकि बच्चे ऊपर चढ़े और अपनी फेवरेट आइसक्रीम ले सके। तो 10 ही निकालना। बना दी गाइस, ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे लेट लेट लपेट और का मेरा दोस्त, ये क्या है भाई? ये मतलब अपनी गाड़ी होगी तो ऐसे चौड़ में रहना है क्या? मालिक बोलते हैं इसको। मेरे पे कब दे रहे हो गाड़ी? कभी ना। क्यों क्यों पिंक कलर की करवा दी तुम्हारी गाड़ी को अभी? पिंक कलर आएगी शादी में आऊंगी और जी अक्टूबर में। तो हे फ्रेंड्स, जैसा कि यार मैं आ चुकी हूँ अपने प्रैक्टिकल देके और आजकल आपको पता है मेरे अच्छे दिन चल रहे, लाइक कभी कोई ब्लॉगर मिल जा रहे हैं, कॉलेज में आना मेरे बहुत लगी है और आज मुझे मिली है अमित नहीं, अमित की बहन साक्षी नेगी। तो कैसे हो आप सब? तो आज फर्स्ट टाइम दीदी से मुलाकात हुई है। वैसे तो ना दीदी उधर चले गई थी, मैं बोले देखे हुए तो लग रहे हैं, पर अभी दीदी आई तो हाँ देखे हुए लग रहे हैं। कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप बताइए कैसे चल रहे हैं? वो तो देखते हो आप यार, कभी पता तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी अच्छी है पर मेरे अंदर वो नहीं है। मेरा तो ऐसा है कि भाई थोड़ा परेशान कर देता है, मतलब वैसा हो ही जाता है, पर आपके ब्लॉग भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप मुझे अभी देख पा रहे हो साक्षी नेगी के साथ, तो हर क्वेश्चन हर ब्लॉगर से मैं एक ही क्वेश्चन करती हूँ कंसिस्टेंसी वाला। तो साक्षी के सीक्रेट जानते हैं, कंसिस्टेंसी के लिए क्या करते हो भाई? आप वो मत पूछो मुझसे, क्योंकि मैं इतने भाई के ब्लॉग देखती हूँ तो वैसे ही रहते हैं। हाँ तो अमित से इंस्पायर हो तुम भी, मतलब क्योंकि अब जब पहले कोई घर में बड़ा ब्लॉगर होता है तो फिर हम भी उसी की तरह कॉपी करते हुए। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम अमित से आगे जाओगी या जाने का सोचा है तुमने कभी? अभी तो कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, पता नहीं हो सकता है फ्यूचर में। चलो अमित ब्लॉगिंग कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, तुम्हें लगता होगा देख के भाई ये कदम तो मैं भी करूँ, है ना? बस भैया से ही सीखा है सब कुछ। चलो मतलब इंस्पिरेशन तुम्हारी अमित है। तो जब उसकी फर्स्ट पेमेंट आई थी तुम्हें कैसा लगा था? अमित की फर्स्ट पेमेंट पे क्या फील करा था तुमने? तो जब भैया के पास पेमेंट आई थी ना, हमको ये भी नहीं पता था कि उस टाइम कौन से पैसे आ सकते हैं, पर उसी टाइम पता चला था तो बहुत अच्छा लगा। मतलब एक ऐसा सप्ताह जैसा पूरा होना कि भाई तुम्हें लगा भी नहीं और वो चीज पूरी भी हो गई। अच्छा तो मिली, तो चलिए साक्षी से पूछते हैं, मेरी शादी में आने वाली हो गया अक्टूबर में, बुलाओगे तो आएंगे? चलो तो हम साक्षी को इन्विटेशन देंगे और देखते हैं अगला ब्लॉग साक्षी के साथ कब बनता है। हमारी चाउमीन और मुझे बहुत पसंद है। बाकी अगर आपने केडीएस ही चाउमीन नहीं खाई तो भाई क्या खाया, कॉलेज वालों का तो फेवरेट होता है ना ये, है ना? तो दोस्तों अभी मैं और प्रिया भाई अपने लिए कुछ सहारा लेके चल रहे हैं। वैसे तो हम एक दूसरे को मनोबल दे रहे हैं ये बोल के कि भाई आज पैदल जाएंगे और वेट लूज करेंगे, बट सच में बताऊं बार बार नजरें ना पीछे जा रही है, कोई गाड़ी आएगी तो लिप लेंगे नहीं लेंगे भाई, तो ये सोच के चल रहे हैं और हमें लगता है जल्दी हमें लिफ्ट मिल भी जाएगी, है ना? सो गाइस
मुझे लगता था यार मैं ज्यादा पैदल नहीं चल सकती हूँ, पर मैं झूठी साबित हो गई हूँ यार सच में। प्रिया तुझे लगता है ना हम कुछ भी कर सकते हैं? भाई 300 3 बजे की धूप है, और इस 3 बजे की धूप में वो भी अगस्त मुनि में यार हम चल रहे हैं पैदल, जबकि गाड़ियां भी आ रही है पर हम ना लिफ्ट नहीं ले रहे हैं। भाई सच में कोई दे नहीं रहा पर लिफ्ट नहीं ले रहे, और यार मुझे थोड़ा आयशा की टेंशन हो रही है क्योंकि यार हम तो बड़े बच्चे हैं पर आयशा छोटी है, वो सुबह एक ही रोटी खा के गई थी, और वो तो पच भी गई होगी, और उसके लिए वैसे मैंने आंटी को बोला था खाना बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं घर पे, देखते हैं क्या हो रहा है। बाकी बगल में है नदी, मैं आपको व्यू बता देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये नदी का पानी बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है आजकल। बाकी अगस्त मुनि में काफी चीजें चेंज हो गई हैं, काफी क्या बताऊं मैं, बहुत कुछ चेंज हो गया है। जैसे कि बैठने के लिए ये बेंच फिटिंग का फिटिंग चेयर्स लगी हुई है, बाकी लाइट्स इनमें रात को आ रही थी, लेकिन पार्किंग भी अच्छी खासी बन गई, जिसकी जगह तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगी बट बन गई फाइनली पार्किंग। बस जो सबसे घटिया कलेक्शन थी ना तेरी आती है। सो गाइस फाइनली यार काफी लोग मुझे पूछ रहे थे भाई किसने दिया आईफोन, तो वो आईफोन मेरा नहीं है भाई, वो आईफोन है हमारे दोस्त अरुण का और मेरा नहीं है। तो बचपन की आदत है उल्लू बनाने वाली, और माफ करना दोस्तों मुझे। बोलना सबसे पहले तो यार कॉन्ग्रेचुलेशन तेरे आईफोन के लिए। और पता मुझे कब दे रहा है? मैं ये दे दूंगी। कितने पैसे देने मैंने बाकी आपको? तो पैसे का बात कितने? 1,000, 2,000, 3,000, 10,000 सही बता, सही बता, सही बता, लॉक किया जाएगा बात को। 10,000 में तो दे रहा है, 10,000 में तो मुझे फोन दे रहा है। तो दोस्तों चलिए ठीक है, अभी मुझे ऑफर मिला है, अगर आप लोग कमेंट करोगे सही प्राइस तो भाई ये फोन बन जाएगा मेरा, सही बता रही हूँ ठीक है। और जिसका कमेंट बहुत सही होगा हाँ उसको मिलेगी फ्री में पिज्जा पार्टी। तो भैया जी अभी रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि है 3 बजे का टाइम, और हमारी दोस्त प्रिया जिसके पास की कपड़े नहीं होते हैं मतलब आज इसके पास कपड़े नहीं है क्योंकि इनके यहाँ की रोड टूटी हुई है, तो ये आज मेरे साथ रहेगी, और हम दोनों के पास ही कपड़े नहीं है, तो हमने सोचा कुछ टॉप ले लेते हैं। वैसे मैं इनको पूछ रही थी अगर कोई एक्सपायरी वाला टॉप है तो वो ही दे दें, अभी हम ज्यादा शॉपिंग नहीं कर सकते, हम पैसे बचा रहे हैं। प्रिया क्यों बचा रहे हैं? तो ये है गाइस स्थिति आजकल हमारी, और ये है भाई अपनी साइड से गिफ्ट कर दो ना इन टॉप। तो गाइस चले चलते हैं बुआ के घर पे, देखते हैं क्या कर रहे हैं वो लोग। खोई हुई दोस्त है बिगड़ी हुई दोस्त मिल चुकी है, और फिर दोनों ना एक जैसी है ना, इसका होमवर्क पूरा रहेगा ना उसका, बात देनी पड़ेगी तुम्हारी तो कैसे दे, लेकिन अभी कलम दवात नहीं है पास में, ना वो काम करेगी ना ये करेगी। तो यहाँ पे रूम पर जाते ही मैं और आयशा खाना पीना खा के मस्त सो गए थे, और सीधे रात को नींद खुली, और मुझे लेने थे फाइल्स के पेजेस, तो हम चले गए थे मार्केट, और आयशा मेरा खर्चा ना करवा ऐसा होता नहीं है। तो चलिए फिलहाल करते हैं वीडियो का एंड, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, और मिलते हैं अगले क्लिप में, तब तक आप लोग रखिए अपना ध्यान।